तो जो देख रहा है कि 2005 में था उससे पीछे चले जा रहे। कैसे हमारा औद्योगिकरण बढ़ेगा, कैसे हमारा शहरीकरण बढ़ेगा, हम दिन भर जातीय जनगणना में लगे रह जाएंगे क्या? इंग्लैंड का राष्ट्रपति और उनका प्रेसिडेंट पीठ थपथपाता था, आज हमारे प्रधानमंत्री पीठ थपथपाते हैं। 2024 चुनाव के पहले ही बिहार में गठबंधन के रास्ते साफ होते जा रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन में 7 दल हैं और भाजपा का आरोप है कि अप्रत्यक्ष रूप से 8वां दल भी है, मुकेश सहनी को लेकर चर्चा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन में चिराग पासवान, चाचा पारस के साथ पृथ्वी माली भी इस बार शामिल हुए। लेकिन आरसीपी सिंह अभी तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि वो किस गठबंधन में रहेंगे। तो अपने गांव मुस्तफापुर में चुनाव परिणाम आने के बाद जदयू और बिहार की सरकार पर प्रतिक्रिया दे रहे थे आरसीपी सिंह। लेकिन उसी बीच एक सवाल आया कि आरसीपी सिंह आखिर किसके साथ जाएंगे। 2024 चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है, तो क्या आरसीपी सिंह 2024 चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो बिहार का साथ देगा, जो जीडीपी बढ़ाने में मदद करेगा, जो देश में कहीं ना कहीं G20 जैसे समिट कराने के लिए सफल आयोजन की बात करेगा, और साथ ही सीधा निशाना मुख्यमंत्री नीतीश पर था कि नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए थे और आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी की थी कि लंबे वर्षों बाद G20 का जो अध्यक्षता है वो भारत के हाथ में आया है। तो आरसीपी सिंह ने इशारों में कह दिया है कि वो भाजपा के साथ आने वाले दिनों में भाजपा के रणनीतियों पर काम करेंगे, पार्टी बनाने को लेकर भी आरसीपी सिंह ने बयान दिया है। सुनवाते हैं आरसीपी सिंह के बयान को, मुस्तफापुर से प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है बिहार में चुनाव परिणाम आने के बाद, और तमाम चीजों का जिक्र करते हुए अपने पार्टी को लेकर भी बातें बताई। सामाजिक समीकरण है, जब भी आप चुनाव लड़ते हैं तो आप एक बनाते हैं कि हमको इसका चाहिए, तो नीचे ना काम करना पड़ेगा। देखिए पहले ये मुख्यमंत्री नहीं थे, लोग को इन पर भरोसा था, 17 वर्ष उनसे आप हैं जी, तो जो देख रहा है कि 2005 में था उससे पीछे चले जा रहे। अब कोई इंजीनियरिंग काम करेगा? आप तो एकदम बिल्कुल ही जो कहते हैं ना कि 2005 से पीछे चले गए। कौन सा दल लगता है बिहार के लिए बढ़िया रहेगा और बिहार के विकास में? देखिए हमारा बहुत स्पष्ट कहना है, एक आज इस मत को मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। देखिए आज मैंने बताया ना, देश में मैंने बताया आपको शुरू में ही कि ये भारत वर्ष के लिए गौरव का दिन है जी, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी एक पहचान मिल रही है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और गुजरात में वो 13 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, 27 वर्षों तक, आप जरा देखिए क्या काम किया है लोगों का। तो यहाँ पर काम की बात होनी चाहिए, विकास का मतलब मैंने पहले भी कहा था कि कैसे हमारा GDP बढ़ेगा, कैसे हमारा औद्योगिकरण बढ़ेगा, कैसे हमारा शहरीकरण बढ़ेगा, हम दिन भर जातीय जनगणना में लगे रह जाएंगे क्या? आप जानकारी लेते हैं लेकिन उसके आगे भी तो चलना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है कि जो भी नेता, जो भी दल, कैसे बिहार हमारा आगे तरक्की करे, कैसे यहाँ पर जो है शहरीकरण बढ़ेगा, कैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा, कैसे हम लोग GDP बढ़ेगा, उसको सबको साथ देना पड़ेगा। ये ना कि दिन भर घूम फिर करके ये समीकरण तो वो समीकरण, तो ये जात तो वो धर्म। 2024 में आरसीपी सर का भी साथ देंगे भाजपा को? देखिए एक बात मैं बता दूं, हम तो रोज घूम रहे हैं जी, और आप जो कह रहे हैं तो हम तो उनके साथ काम किए हैं ना जी, हम तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, तो हम अपने मन में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं रखते हैं। मैं बड़ा खुले मन से रहता हूँ और मैं देख रहा हूँ सामने, मैंने बताया ना कि आज देखिए ना कि आज भाई हम तो कहते हैं ना कि जब पहले हमारे प्रधानमंत्री जाते थे विदेश तो क्या होता था, अमेरिका का राष्ट्रपति उनका पीठ थपथपाता था, इंग्लैंड का राष्ट्रपति और उनका प्रेसिडेंट पीठ थपथपाता था, आज हमारे प्रधानमंत्री पीठ थपथपाते हैं, ये फर्क है जी। तो गौरव तो होना चाहिए, आप कहेंगे ठीक है भाई कितना गौरव करिएगा, तो गौरव तो करना ही चाहिए कि जहाँ हम 75 साल पहले गुलाम थे, आज हम इतना मजबूत हो चुके हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए, ये तो अच्छी चीज है ना, ये तो अच्छी अच्छी बात है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386